इस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर रंजना शाहू मैम, डॉक्टर रंजना शाहू मैम, माधुरी रोहित मैम और तो मैं माहौल मैम आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि जीएस कॉमर्स का किस तरह से तैयारी हुई और कितने कितने लोग आए और कितने गर्ल्स बॉयज ने और कितने टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से अभी हम जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये इस इवेंट का नाम है कॉमर्स मॉडल एंड एग्जीबिशन, कॉमर्स मॉडल कॉम्पिटिशन एंड एग्जीबिशन। यहाँ पे हम लोग हमारे कॉलेज के जो पांच डिपार्टमेंट्स है बीबीए, एमबीए, बीकॉम, बीसीसीए और एमकॉम, ये पांचों डिपार्टमेंट्स के बच्चे जो है उनको हम कॉमर्स के टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को निकाल करके उनकी क्रिएटिविटी के थ्रू को प्रेजेंट करते हैं। और इस कंपटीशन को इनिशियली जो था वो कॉलेज के ही बच्चे कॉम्पीट करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से हमने इसको इंटर कॉलेजिएट किया है जिसमें हम बाहर के कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर साल हमें अराउंड 70 से 80 बच्चों का पार्टिसिपेशन इसमें मिलता है, जिसमें से हम कट डाउन करके जो बेस्ट मॉडल है जिनके पास क्रिएटिविटी प्लस इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करें। तो अभी आप इस शो में देखेंगे तो अराउंड आपको 40 to 50 मॉडल्स मिलेंगे जिसमें से बाहर के अराउंड 4 मॉडल्स हैं। और हमारे कॉलेज के जो है उसमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों मीडियम के बच्चों ने यहाँ पे अपना प्रेजेंट किया। और इस मॉडल कॉम्पिटिशन से हमारे ऐसे आविष्कार हुए कि हमारे कॉलेज के दो स्टूडेंट्स नागपुर यूनिवर्सिटी जो आविष्कार नाम का स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन कंडक्ट करते हैं उसमें इस साल हमारे दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उन्होंने हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी को स्टेट लेवल का प्रेजेंट किया। तो माधुरी मैम, आप लोगों को कैसा लगता है कि आपके पूरे यूनिवर्सिटी में, नागपुर यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज को ऑटोनोमस और ए ग्रेड मिला, कैसा महसूस होता है आपको? ज्यादा अच्छा महसूस होता है, ना कि मुझे बल्कि हमारे कॉलेज के बच्चे प्लस प्रिंसिपल प्लस सारे स्टाफ को बहुत अच्छा फीलिंग है, क्योंकि इसमें हम सारे की ऐसी मेहनत है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को हम लोग बाहर पहुंच के बड़ा कर रहे हैं, उस प्रकार से हम सारे टीचर्स की, बच्चों की, सभी की मेहनत है। तो ये जो हमको ऑटोनॉमी प्लस ए ग्रेड जो मिला है इसका पूरा श्रेय टीचर्स प्लस बच्चों इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही हम ये सब अचीव कर पाए। तो हमारे बच्चे जो है उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है और हमारे टीचर्स जो है वो हर वक्त हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हर वक्त तैयार रहते हैं। आप देखेंगे कि हमारे कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को किसी भी वक्त फोन पे, यहाँ पर, ना सिर्फ लेक्चर में बल्कि लेक्चर के बाद भी आपकी जो सब मेहनत दिख रही है बच्चे तो करते हैं, लेकिन उनको टीचर्स को सपोर्ट करना पड़ता है, उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, तो उसके सिवा ये सब पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ के बच्चों को हम लोग ये मोटिवेट, हमारे टीचर्स जो है वो हर पल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ये सबसे यूनिक फीचर रंजना मैम, आज आपके जीएस कम्युनिस्ट का उद्घाटन हुआ धर्माधिकारी सर और भार्गव सर के शुभ हस्ते, तो आपको रिलैक्स लग रहा है या अभी तक के रिलैक्स है या ऐसा? रिलैक्स सर, और वेरी मच प्राउड कि बाकी के कॉलेजेस से भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सिलेक्शन फॉर द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। माधुरी पुरोहित मैम ने बहुत बहुत अच्छा काम किया, उनके टीम मेंबर्स ने, एंड धर्माधिकारी सर ने इतना मतलब 12 घंटे का सफर करके वो यहाँ पर आए। आई एम वेरी मच फीलिंग सो मच ब्लेस्ड टुडे विद सो मेनी गुड पीपल।